अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब जी। बेटा सबक बेर बहूटी, इसके हम आज करेंगे इमला और साथ में हम करेंगे अल्फाज जुमले। ठीक है, ये मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिखी दी हुई हैं, साथ में मैम ने डायरी भी आपकी लिखी दी हुई है। ठीक है, अब आपको मैम पढ़ाती हैं। ये आज हम करेंगे इमला और अल्फाज जुमले। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे निकालें, अपनी कापियाँ निकालें। कापियों के ऊपर आप तारीख लिखेंगे, डेट वो दिन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप घर का काम लिखेंगे उनवान के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप उनवान लिखेंगे, उसके बाद आप इमला लिखेंगे जैसे मैम आपको लिखवाती हैं कि एक लाइन में दो लफ्ज़। ठीक है, यहाँ पर तो स्पेस कम थी, जगह कम थी, इस वजह से मैम ने चार लफ्ज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, इमला प्रोग्राम, छुट्टियों, तायाजात, सुबह सवेरे, नरमो नाजुक, मखमली, मालूमात, खुशियाँ, ये आपकी इमला है। और आगे हैं अल्फाज जुमले। ठीक है, सफ़र, सफ़र पर जाते हुए दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। ठीक है, जब हम सफ़र पे जाते हैं ना, तो सफ़र की दुआ यकीनन आपको आती होगी, सुभान अल्लाह जी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है, तो सफ़र पर जाते हुए दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। आगे हैरान, ज़ैन नरमो नाजुक बैर बहूटी देख कर हैरान रह गया। एहसास, सहरा में ज़ैन को शदीद गर्मी का एहसास हुआ। खूबसूरत, ज़ैन को सुर्ख रंग का कीड़ा बहुत खूबसूरत लगा। ठीक है, खूबसूरत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है शिफा, अल्लाह ताला ने बैर बहूटी के तेल में शिफा रखी है। नीचे आपकी मैम नोटिटाइट लिखती है, इमला और अल्फाज जुमले याद करें। यह है बेटा आपका काम, बहुत ही आसान है, तो आपने अपनी राइटिंग अच्छे से इसको लिखना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।